अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त फैसल अली मलिक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जी आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आई है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब में उन्होंने 29 जुलाई 2021 थर्सडे वाले दिन उनके जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज़म हैं, मिनिस्टर ऑफ सियाहत हैं, उन्होंने एक ऐलान किया है जनाब अहमद अल खिताब साहिब ने अरब न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए कि वो 1 अगस्त 2021 से अपने जितने भी पूरी दुनिया से विजिटर हैं उनको दोबारा वेलकम करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं इसके बारे में आगे शेयर करने से पहले यहाँ पे अपने सब दोस्त अहबाब को ये बताना चाहूँगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि अगर उन्हें लगे कि ये न्यूज़ जो मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ ये फेक है, या उनको कोई डाउट है, कोई शक है, तो मैं जनाब जो है लिंक, इस न्यूज़ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, अरब न्यूज़ की वेबसाइट पे, जहां पे उन्होंने इंटरव्यू शेयर किया है जनाब अहमद अल खिताब साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 1 अगस्त 2021 से तमाम दुनिया के विजिटर्स को वेलकम करने जा रहे हैं। बस उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ शरायत हैं जो कि जो विज़िट करना चाहते हैं उनको पूरी करनी होगी, जिसमें आप सबको पता है कि सबसे पहली जो उनकी रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपने जो सऊदी अरब से 3 वैक्सीनेशन अप्रूव हैं उनकी 2 डोज मुकम्मल ली हो, जिसमें सबसे पहले आ जाती है फाइज़र, नंबर 2 पे आ जाती है जी एस्ट्रा, नंबर 3 पे आ जाती है मोडर्ना। ये जो 3 वैक्सीनेशन सऊदी अरब ने अप्रूव की हैं इनकी 2 डोज मुकम्मल अपने कंट्री से ली हों तो आप जो है वो सऊदी अरब में विज़िट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा आपका वैक्सीनेशन कार्ड जो आपको आपके कंट्री से मिला है, जैसे हमें पाकिस्तान से हमें नादरा की तरफ से जारी किया जाता है, वो हमारे पास होना चाहिए। और हम ट्रैवल करने से पहले अपना जो तवक्कलना है उसके ऊपर रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो हम सऊदी अरब में ट्रैवल कर सकते हैं। जो भी पूरी दुनिया में विजिटर हैं वो वहाँ पे जो जाना चाहते हैं, तो ये उन अफराद के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है जो अपने अपने कंट्री में जाके स्टक हो चुके थे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ पे जाके फ्लाइट जो बंद हो चुकी थी, ऑपरेशन बंद हो चुका था उसकी वजह से जो वहाँ पे जाके स्टक हो चुके हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इंशाल्लाह अगर वो विजिटर्स को वेलकम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने जो उनके रेजिडेंट हैं उनको भी इंशाल्लाह दोबारा वो अलाउ करेंगे वापस आने के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अगर मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं पीछे से, कि मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं प्लीज़ अपना अपना जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो निकाल के रखें। अगर आपने डोज नहीं ली तो वो डोज मुकम्मल करवाएं और अपना अपना वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो लेके रखें, ताकि जैसे ही आप लोगों को पता चले कि फ़्लाइट दोबारा स्टार्ट हो चुकी हैं तो आप अपना टाइम ज़ाया किए बगैर मूव कर सकें, जा सकें सऊदी अरब में। यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो है उसे लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट हो वो एज सून एज पॉसिबल आप तक पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।